नमस्कार दोस्तों, विल पावर एंड लाइफ की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेली साइकिस्ट बुक के निचोड़ के बारे में, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। और साथ ही बता दूं, इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे सात ऐसे बेहतरीन पॉइंट जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का एक स्टूडेंट फेल हो रहा था, लेकिन उसको तभी रियलाइज्ड हुआ गॉड उनको कभी फेल नहीं कर सकते। उसने गॉड पर बिलीव किया और उनके साथ कनेक्शन बनाकर इस टेली साइकिस्ट पावर का यूज किया तो जबरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई थी, उसने टेली साइकिस्ट पावर का यूज किया तब उसके सपने में स्पष्ट रूप से देखा। उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में कागज में लपेटी हुई है। उसने वहां जाकर देखा तो सच में वहां पर से हीरे की अंगूठी मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयत नामे को खो दिया था, उसने टेलीसाइकिस्ट पावर का यूज करके खोई हुई वसीयत का ठिकाना लगा लिया, सपने में खोज लिया। एक सेल्समैन ने टेलीसाइकिस्ट पावर का यूज करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पर कंसंट्रेट किया। उन्होंने अपने सेल्स के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी, जिसे वो हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी तरीके से हासिल भी कर लिया जो उसने सोचा था। उस सेल्स के आंकड़ों को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एक लड़का पायलट बनना चाहता था, उसने पायलट के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। पायलट के लिए 10 सीट थी, 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीसाइकिस्ट पावर का यूज किया, उसने विजुलाइज किया कि वो पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ अपने माइंड में ही देखा उसने। फिर वो उसे सारे उम्मीदवारों को पीछे करके पायलट के लिए सेलेक्ट हो गया और वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये टेलीसाइकिस्ट पावर है क्या, क्या चीज है? हम सभी टेलीसाइकिस्ट की पावर से जो अपनी लाइफ में चाहें वो पा सकते हैं क्या? अब आप सोच रहे होंगे, ये टेलीसाइकिस्ट पावर है क्या, क्या चीज है? हम सभी टेलीसाइकिस्ट की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहना चाहते हैं वो पा सकते हैं क्या? ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक ब्रह्मांड से अट्रैक्ट कराता है। चलिए जानते हैं आखिर व्हाट इज टेलीसाइकिस्ट, जो कि इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। टेलीसाइकिस्ट एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करता है, जिससे आप सच में इमोशनली जुड़े होते हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीसाइकिस्ट यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और इमेजिंग पावर की शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। आश्चर्यजनक की बात यह है कि टेलीसाइकिस्ट पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज किया है, इससे अपना मन चाहा रिजल्ट भी हासिल किया है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का उससे पा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों का पालन करते हैं तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकता है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिकियन जिस तरह हमें जादू का खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ में नहीं आता है तब हम उसे मैजिक मान लेते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है तब हम उसे मैजिक नहीं मानते। आज ही विश्व के दूर दराज इलाकों में आदि मानव रहते हैं जो प्लेन, टीवी, स्मार्टफोन जैसी चीजों को जादुई वस्तु ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियाँ हमारे आस पास मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम हैप्पीनेस तो फील कर सकते हैं। इस तरह से जो भी डिफरेंस इमोशन है हम उसे फील कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने भीतर छिपी पावर को ईश्वर की शक्ति से कनेक्ट करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये इनर पावर हमारी हर एक समस्या को सुलझा सकती है, इसे समृद्ध बना सकती है, हमारी छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। यह शक्ति हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती है। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस को, न्यू क्रिएटिव थॉट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए समझते हैं अब आगे एक एक करके। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग ऑफ टेलीसाइकिस्ट वर्ड। सबसे पहले हम टेलीसाइकिस्ट वर्ड को समझते हैं। टेले का अर्थ है कम्युनिकेशन और साइकिस्ट का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिस्ट यानी कि हायर सेल्फ को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यह टेलीसाइकिस्ट पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीफ को अनुरूप हमें रिस्पॉन्स करती है। आप अपने अंदर की ईश्वर शक्ति से कम्युनिकेट करके अपने पूरे जीवन का रिनोवेशन कर सकते हैं। ऑथर मर्फी कहते हैं कि वह जब भी दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, कोई भी शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं।
जिनके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इन टेलीपैथिक। एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद होती है। आपके विचारों की प्रकृति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रिडिक्टर की कही हुई नेगेटिव प्रिडिक्टर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके बनाए गए बिलीव के अनुसार ही रिएक्ट करता है। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण होता है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। क्योंकि उसके अंदर उन सभी नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है, वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय वो भी विजुलाइज कर सकता है। वह ईश्वर की अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से अपने मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दिखा रहा है और समृद्ध बना रहा है। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसकी आदतन सोच और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर को ही सच कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, हाउ टू यूज टेलीसाइकिस्ट पावर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने की इंस्ट्रक्शन दें। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खासतौर पर जब आप इसके साथ अपने इमोशन को भी ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट ना करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता रहे तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुलाइज कीजिए, उसी के बारे में सोचिए। टेलीसाइकिस्ट को इस बात से समझते हैं। चलिए, एक नर्स ने किसी दूसरे शहर के प्लेन से जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिला। उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर आ रही आवाज उसने सुना, अपनी यात्रा रद्द कर दो, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई, फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला, सचमुच वो विमान जिसमें वह जाने वाली थी, वह क्रैश हो गया। एक मूवी भी है दोस्तों, द फाइनल डेस्टिनेशन, जस्ट लाइक दिस। आप जो है उस मूवी को देख सकते हैं, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर एक सपने के ड्रीम को बताया गया है। चलिए और समझते हैं आगे, ऐसा कैसे हुआ। चलिए समझते हैं, यह सपना सिर्फ उसने ही क्यों ऐसा देखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे वह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी। यह आश्चर्यजनक बात यह है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही कैसे पता चल गई, जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की थी। तो इसका आंसर है दोस्तों, जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की थी, तो उसके सपने में उसका आंसर मिल गया, जो उसके गहरे मन के भीतर आया था। वह हर रात सोने से पहले ये प्रेयर करती थी कि मैं जहां जाती हूं, ईश्वर शक्ति मेरे आगे आगे जाती है। वह मेरे हर रास्ते को खुशनुमा और आनंददायक बना देती है। ये ईश्वर शक्ति है, हर पल मेरी रक्षा करती है। यह वह प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी कह सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। ये सच्ची प्रेयर एक ऐसा माध्यम है हमारे और हमारे ईश्वर के बीच कम्युनिकेट करता है। आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हो, चाहे वो गॉड हो या ईश्वर, अल्लाह, जो भी, और चेतन मन हो, चाहे जो भी आप बोल सकते हो, अनंत ऊर्जा हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं। नाम चाहे जो भी हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। ये शक्ति वो सब कुछ जानती है जो आप भी विचार करते हैं, उस पर अपना रिस्पॉन्स क्या देते हैं, यानी कि आपका आंसर। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है, उस पर बिलीव करें, उसे फॉलो करें। इस तरह आपको इस पावर का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विथ टेलीसाइकिस्ट पावर। आंतरिक शक्ति से सही वे में कम्युनिकेशन करने का सही टेक्निक जो है, वो है विजुलेशन। आप अपने माइंड में जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट और बिलीव करते हैं, जब आपको ये रियल में फील करते हैं, तो वो पिक्चर इस दुनिया में हकीकत बन जाता है। इसलिए जब आप विजुलेशन करते हैं, तो उस समय सही अफर्मेशन का चयन करें, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन का चयन करें। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आंतरिक शक्ति को दें, फिर देखें आपके हर सपने सच होंगे जो आप चाहते हो। यही टेलीसाइकिस्ट की पावर है, आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग का कहना है कि पहले अपनी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी,
लेकिन जैसे ही उन्होंने अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का यूज करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में सही होने की जगह सब कुछ उल्टा होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा था? इन हालातों को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से बताया गया है, चलिए समझते हैं। एक महिला किसी कानूनी उलझन में फंस गई थी। वह उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा वह प्रेयर कर रही थी उतने हालात और बिगड़ते ही जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने का मूल वजह थी वह अपनी सारी चिंता, तनाव और हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर करने से पहले वह जितनी परेशान रहती थी, प्रेयर खत्म हो जाने के बाद भी उससे ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उसने सीखा कि वह अपने मन में जिस भी चीज़ पर फोकस करती है वह बढ़ती जाती है, इसलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर उसने इस तरह से प्रेयर करना स्टार्ट किया, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंतर्मन की आंतरिक शक्तियाँ वास कर रही है। मेरी वो आंतरिक शक्ति मेरी हर समस्या का समाधान लाने में सक्षम है। अब मैं प्रयास करना छोड़ देती हूँ, समाधान लाने का कार्य मैं आपकी आंतरिक शक्ति के हवाले कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे विचार चले गए, उसे शांति का एहसास होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने उसे अदालत में चुनौती दी थी, जो जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही मुकदमे से वापस ले लिया नाम। वह महिला अब उस केस को जीत गई। उस महिला के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का उल्टा होता है तो बस आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस बुक के निचोड़ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे हमें समझना चाहिए जो अब तक हमने पढ़ा है। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, जो कि निष्कर्ष के रूप में जाना गया है। निष्कर्ष पूरे वीडियो का निकलता है। दोस्तों, आप कोई खोई हुई या गलत जगह पर रखी गई चीज़ों को ढूंढ रहे हैं तो आप अपना आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। ये दावा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुप्रीम पावर इसका जवाब जानती है, उसे आपके सामने ला देगी। आप अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। सेकेंड पॉइंट, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं, गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं, अगर आप किसी समस्या का जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें। दावा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इसका जवाब जानती है, आपको उस पर पूरा भरोसा है, ये कहते हुए सोचाइए, बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद व खुद कर देगी। चलिए थर्ड पॉइंट को जानते हैं। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करो, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप सामने वाले को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा देते हैं, खुद को नीचा दिखा देते हैं। इसके साथ ही आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी और एबिलिटी को भुला रहे होते हैं। आप यूनिक हैं, दुनिया के हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होती है। अपनी इंटरनल पावर पर फोकस करें और जानने की कोशिश करें। आप जिस भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं आप सफल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने टेली साइकिस्ट बुक का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और भी वीडियोस ऑडियो जानने के लिए और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।